राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग का पुराना रिश्ता है। एक के बाद एक बयानबाजी दोनों पार्टियों के बीच कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बयानबाजी ऐसी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को ही जहरीला सांप बता डाला। जी हां, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो अपने सालों पुराने बयानों को लेकर अपनी सदस्यता खो बैठे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अध्यक्ष भी हम किसी से कम नहीं जैसे नारों से प्रेरणा ले रहे हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान 27 अप्रैल यानी गुरुवार को खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आप इसे चाटते हैं तो आप मर चुके हैं। बस फिर क्या था, पीएम पर यह टिप्पणी उनके लिए काफी मुश्किलें लेकर आई, जिसके बाद खड़गे के इस बयान पर सियासी घमासान मच गया। साथ ही बीजेपी की ओर से खड़गे के इस विवादित बयान पर पलटवार किया गया, जिसके चलते बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय से लेकर अनुराग ठाकुर ने अपनी नाराजगी जताते हुए खड़गे से इस बयानबाजी के पीछे की वजह पूछी। साथ ही अमित मालवीय ने तो अपने ट्विटर हैंडल से इस आपत्तिजनक भाषा को लेकर एक वीडियो शेयर कर ट्वीट भी किया है। दरअसल ट्वीट कर उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जहरीला सांप। आगे उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के मौत का सौदागर से जो शुरू हुआ और उसका अंत कैसे हुआ, हम जानते हैं। कांग्रेस लगातार नई गहराइयों में उतरती जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के पलटवार को देखते हुए खड़गे ने अब अपने घुटने भी टेक दिए हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर अपनी सफाई में काफी कुछ कहा, और एक नहीं बल्कि चार चार ट्वीट में खड़गे अपनी सफाई पेश करते हुए दिखे। लेकिन इस बार पलटवार में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये बयानबाजी कांग्रेस के लिए राजनीति में और भी ज्यादा बुरे दिन लेकर आ सकती है।